गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग करना सिखाएंगे सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज करके। देख पा रहे हो कि ये फोटो बहुत ही ज़्यादा मस्त एडिट हुई है एंड गाइज देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बवाल लग रही है और ये फोटो फुल HD क्वालिटी में भी एडिट हुई है। तो गाइज आपको भी कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग करना सीखना है सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज करके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो वीडियो के एंड में आप 100% कुछ इस स्टेप से एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोटो के अंदर लाइट की एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करके यहाँ पर आपको 14% रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हाईलाइट्स मिल जाएगा, इसको आपको डिक्रीज कर देना है और डिक्रीज करके यहाँ पर 24% कर लेना है माइनस में। उसके बाद यहाँ पे शेडोज मिल जाएगा, इसको भी आपको डिक्रीज कर लेना है माइनस में 8%। और यहाँ पे वाइट्स को भी आपको डिक्रीज कर देना है, ठीक है, माइनस में 16% आपको डिक्रीज कर देना है। और यहाँ पे ब्लैक्स मिल जाएगा सबसे लास्ट में, इसको भी आपको डिक्रीज कर देना है और डिक्रीज करके माइनस में आपको 12% रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जस्ट नीचे एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेना है प्लस में 6% और यहाँ पर टिंट की वैल्यू आपको डिक्रीज कर देना है माइनस में 8%। उसके बाद यहाँ पर आपको मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको मैजेंटा कलर मिल जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सैचुरेशन की वैल्यू पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड गाइस यहाँ पर इसका भी सैचुरेशन की वैल्यू आपको पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर देना है। और यहाँ से आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ब्लू कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके भी सैचुरेशन की वैल्यू आपको पूरा डिक्रीज कर देना है माइनस में 100। और यहाँ से आपको एक्वा ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्वा ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सैचुरेशन की वैल्यू पूरा डिक्रीज कर देना है माइनस में 100। और यहाँ पर आपको जो है ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ह्यू को आपको पूरा डिक्रीज कर देना है माइनस में 100 और सैचुरेशन की वैल्यू भी आपको पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर देना है। और यहाँ पर ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी आपको डिक्रीज कर देना है माइनस में 23%। उसके बाद यहाँ पर आपको येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है, येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ह्यू को पूरा डिक्रीज कर देना है माइनस में 100 और सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे आपको डिक्रीज कर लेना है 60 के राउंड, ठीक है, माइनस में 61% आपको रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ल्यूमिनस को भी आपको डिक्रीज कर देना है माइनस में 21%। उसके बाद यहाँ पर आपको स्किन वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है यानी कि ऑरेंज कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज कर लेना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से और माइनस में 46% कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से, जितना आप फेस को वाइट करना चाहते हो यहाँ से आप ल्यूमिनस को इंक्रीज करके फेस को वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से 32% रख लेता हूँ, इतना परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रेड कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर लेना है 80% और ह्यू की वैल्यू डिक्रीज कर देना है माइनस में 24% और यहाँ पर ल्यूमिनस की वैल्यू भी आपको डिक्रीज कर देना है माइनस में 19%। उसके बाद यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको शेडोज को सिलेक्ट कर लेना है। शेडोज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बीच से पकड़ के हल्का से यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लू के साइड में कुछ इस तरीके से कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको मिडटोन्स को सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी बीच से पकड़ के हल्का से यहाँ पे ब्लू के साइड में कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको हाईलाइट्स को सिलेक्ट कर लेना है, हाईलाइट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको भी हल्का सा ब्लू के साइड में कुछ इस तरीके से कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से टेक्सचर को आपको इंक्रीज कर लेना है प्लस में 10% और क्लियरिटी को भी यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे प्लस में 10% और डीएच को भी यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है प्लस में 10%। उसके बाद यहाँ से विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अमाउंट को आपको हल्का सा डिक्रीज कर देना है माइनस में 24% और मिड पॉइंट को भी हल्का सा आपको डिक्रीज कर देना है 44%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेदर को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 62% और राउंडनेस को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 63%, ठीक है। इतना करने के बाद फोटो को HD क्वालिटी में एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अमाउंट को आपको इंक्रीज कर लेना है 37% और मास्किंग को भी यहाँ से इंक्रीज कर लेना है 25%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉइज रिडक्शन को आपको इंक्रीज कर देना है फुल 100 और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 32%, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर नॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कलर नॉइज रिडक्शन को हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है प्लस में 5%
और सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा स्मूथनेस, तो इसको आपको फुल इंक्रीज कर देना है। स्मूथनेस को फुल इंक्रीज करते ही आपकी फेस फुल HD क्वालिटी में स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको स्काई में ब्लू कलर को ऐड करना है, ठीक है। तो ब्लू कलर को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे मास्किंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक कलर रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर रेंज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सर्कल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से स्काई के ऊपर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिफाइन के वैल्यू का सा कम कर देना है और यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लेना है जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर देना है। देन गाइज यहाँ पर आप फोटो को देख सकते हो, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर ये फोटो फुल HD क्वालिटी में एडिट हो चुकी है। तो इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव कॉपी डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे क्लिक करते ही ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।